some important definition. Important definition. Social psychology. Social psychology. The branch of. Branch of. Psychology. Psychology. That deals. That deals. With social. With social. Interactions. Interactions. Including their. Including their. Organs. Organs. And. And. Their. काम चोरी की भी हद होती है. इंडिविजुअल भाभी रिलेशनशिप भाभी ये हांडी क्यों नहीं पकी अभी तक. मैं वकास को होमवर्क करवाऊंगी, इसके बाद बना दूंगी. वजाहत आते ही होंगे और आते ही मुझ पर चिल्लाएंगे. भला बताओ, एक आदमी सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके घर आए और उसे टाइम पर रोटी भी ना मिले, हद नहीं होगी ये. ओफो, मेरे सर पे खड़े होके क्यों चिल्ला रही हैं आप? अगर इतनी तकलीफ है तो जाके खुद बना ले. और वैसे भी कौन सा तीर मारना है, दाल सब्जी बनेगी रोज की तरह, 10 मिनट में बन जाएगी. फजूल की बातें ना किया करें. अच्छा, बेरोजगार है आपका शौहर, हांडी रोटी आपको ही करनी होगी. हद होती है. और ये अपने बेटे को पढ़ाते कोई तीर नहीं मार लेंगी आप? मैं भी क्यों तुम्हारे मुंह लगूं, तुम तो बेऔलाद हो, तुम्हें क्या पता बच्चे होना और बच्चों को पढ़ाना. ज़्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है, बेऔलादी के ताने. और पढ़ा रही हो कोई तीर नहीं मार रही, बीए कर लिया खुद, तो काम तो तुम वही कर रही हो ना नौकरानियों वाले. जाओ जाके सालन पकाओ. जरीना, अब तुम हद पार कर रही हो. और वैसे भी सारी जिंदगी मेरे शौहर ने इस घर का ठेका उठाया है, तुम्हारे शौहर ने 1-2 महीने राशन डलवा दिया, तो कौन सा मेरे सर पे एहसान किया है? सारी जिंदगी मेरे शौहर ने ही तुम लोगों को भी पाला है, जब भी तुम मेरे सरों पे मंडला रही हो आकर. बस बस, पाल दिया ना, अब पाल दिया, लिहाजा अब हमारे शौहर कर रहे हैं, जाके काम कर लो. काम ना करने के बहाने हजारे तुम्हारे पास. अरे वो बेरोजगार क्या हो गए, दिखा दी तुमने अपनी असली औकात. बस बस, औकात तक नहीं पहुंच, समझी? औकात दिखा दी. मेरा शौहर सारा खर्चा उठाता है तो तुम्हें हांडी बनाओगी? अरे तू चुप कर, मैं निपटूंगी. तो है तू क्या औकात की बातें कर रही है? अरे अगर हम इतने ही कम रात थे, क्यों फंसा है मैं लौंडे को? क्योंकि तूने शादी उससे है. मम्मी मेरे कहने का बस, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है सना, समझ गई? तू जलती है मेरी भांजी से, तुझे पता है मैं इसे चाहती हूँ, ये तू कीड़े निकालती है इसमें. खुश हो गई? बांझ कहीं की. बांझ कहीं की? अरे तूने पैदा करके तो बड़ा तीर चला लिया. बांझ कहीं की? कमबख्त ना हो तो. अम्मा देख रही हो कितना जलती है ये मुझसे और क्या क्या बोलती है मुझे. क्या हो गया, क्यों बांझ के ताने दे रही है? तूने बड़ा मेरा आंगन सजा दिया बच्चों से, एक बच्चा पैदा किया इतनी उम्र में तूने भी, तब देख रही हूँ ये किसके बलबूते पे चहक रही है. खुदा का वास्ता चुप कर जाए आप लोग, पूरा मोहल्ला आप लोगों की आवाजें सुन रहा है. आए दफा, सुन रहा है तो सुनने दे. तेरी बीवी के गले में तो कोयल कुकड़ी, हमारी आवाजें सुन रहा है मोहल्ले वाले? अरे सुनेंगे ही ना मोहल्ले वाले, जब आग लगेगी तो धुआं भी उठेगा ही. अरे हाँ, खैर से आ गए भाई साहब, इंटरव्यू था आज आपका. अरे मिल गई आपको जॉब? मिल जाएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. सना भूख लगी है, खाना लगा. आए हर, खाना पकेगा तो लगाएगी ना. अरे पढ़ाई से तो फुर्सत मिल जाए बेगम को, डिप्टी कमिश्नर बनाएगी ना अपने बच्चे को, और तू क्या अम्मा के पल्लू से लगा बैठा रहता है? अरे मामूओं की कसलत पड़ जाएगी, गुड्डी गुड़ियों से खेलेगा. निकल जा. कहाँ बैठा था? मैं भी किस तरह की बातें कर रही हूँ उस बच्चे से. आए तो फिर किस तरह की करूँ, तू बता दे पढ़ी लिखी औरत. ग्रेजुएशन. पता है आज भाभी ने हद ही कर दी, इतने इतने कोसने दिए, ताने दिए मुझे, जात बरादरी के अलग, और सबसे पढ़ के मुझे बांध तक कहा उन्होंने. सना भाभी ने, मगर क्यों, जरूर तुमने उन्हें कुछ ऐसा ऐसा कह दिया होगा. वाह, मैं तुम्हें अपना दुख बता रही हूँ, अपनी तकलीफ बता रही हूँ, और तुमों के मेरे जख्म कुरेद रहे हो, मुझे कसूरवार कह रहे हो ना, भाभी की तारीफ भी करना तुम. अरे जरा सी मैं धूप सेकने क्या आई, तू फौरन आ गई मेरे पीछे पीछे. अल्लाह, और मैं सब जानती हूँ तू जलती है मेरी भांजी से, तू नहीं चाहती कि उसके औलाद हो, तूने तावीज गंडे कर करके उसे बे औलाद रखा है अभी तक. अम्मी आप कैसा घटिया इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, मैं तो चाहती हूँ वो भी साहिब औलाद हो, सदा खुश रहे वो. तू चाहेगी उसकी खुशी, तू चाहेगी उसकी खुशहाली, मुझे सब पता है,
हफ्ते वाले दिन जो तू जाती है ना अपने माँ के घर के बहाने से, अरे तावीज पलीते लेकर आती है उसको जलाने के लिए, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। और देख ये चिकनी चुपड़ी बातें करके ना मेरे बेटे को तो तूने राम कर लिया है, मुझ पे ना ये चिकनी चुपड़ी बातें असर करने वाली नहीं है। बात सुन, और मेरा बच्चा जो अभी तक बेरोजगार घूम रहा है ना, वो तेरे ही तावीजों की वजह से है। तूने बंदिश कर दी है मेरे बच्चे पे। मैं किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मैं भला अपने शोहर की रोजगार के लिए क्यों बंदिश करूंगी? और उनकी बेरोजगारी से तो मैं परेशान हूँ ना। देख मेरे सामने ना ये फिल्मी डायलॉग नहीं चलेंगे, जो तू मुंह उठा के हर वक्त अपने भैया के यहाँ जाती है ना। इतने बड़ा कारखाना संभाला हुआ है उसने, अरे कहीं मैनेजर की नौकरी दे दे मेरी औलाद को। वो कब तक वजाहत के खर्चे पे चलोगे, कब तक उसके टुकड़ों पे पलोगे? अरे शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। क्या हो गया है आपको? सारी जिंदगी जावेद ने इस घर की जिम्मेदारियां उठाई हैं, तब तो आपको इन बातों का एहसास कभी नहीं हुआ। क्या ऐसी होती है माए? 3 महीने हुए उन्हें बेरोजगार हुए हुए और आप ऐसे ताने दे रही हैं। अब तू मुझे बताएगी माए कैसी होती हैं? 2 लौंडे पैदा किए मैंने, हैं? तूने 1 पिल्ला क्या पैदा कर लिया, तू मुझे बता रही है? चल अब ज्यादा बातें ना बना, गैस जाने का वक्त हो गया है, हांडी चढ़ा। फिर नहीं तो तोस लगा के दे देगी मुझे मक्खन तोस। भाई मुझे नहीं चाहिए, पेट दुख गया मेरा ये मक्खन मलाइयां खा के। मुझे सालन रोटी पका के दे, शोरबे वाला सालन चढ़ा जल जल्दी। अरे उठना, गैस चली जाएगी, बहाना मिल जाएगा, नहारी मंगा लेगी फिर। ऐसी पेट खराब हुआ हुआ है कल से। अच्छा अच्छा मैं कुछ करता हूँ। कुछ नहीं करेंगे आप, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। हमेशा उन्हीं की साइड लेते, वो गलत हो तब भी, मेरा कोई एहसास ही नहीं है आपको, बता रही हूँ मैं। अब आपने ऐसा किया ना, उनकी गलत साइड ली ना, तो मैं जहर खा के खुदकुशी कर लूंगी बस। अरे खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करना। अरे तुम्हारे चचा तो पुलिस में है, और अगर तुमने कुछ कर दिया ना अपने साथ तो मुझे तो जेल हो जाएगी। अच्छा एक काम करता हूँ मैं ना, जावेद भाई से बात कर। रहने दे, कोई बात बात नहीं करते आप, हमेशा मुझे पागल ही बनाते हैं, मैं बात करता हूँ। अरे करूंगा, पक्का वादा, अब रोना बंद करो प्लीज। पक्का बात करेंगे ना? हाँ पक्का। ठीक है, लाओ खाना लाओ, भूख लग रही है मुझे। खाना नहीं बनाया आपकी बाबाजी ने। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी डकैती या राहजनी का मुर्तकब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। सना रोने से क्या बनेगा, हिम्मत से काम लो। भाभी मैं कहां से लाऊं हिम्मत, हथियार के जख्म तो सह जा सकते हैं मगर अल्फाजों के जख्म नहीं सह जाते मुझसे। अरे भाई कोई बताएगा मुझे कि मसला क्या है आखिर? कुछ नहीं भाई, वो मेरी सास और देवरानी मेरी दुश्मन बन गई हैं, बात बात पे मुझे ताने देती हैं। पर से जावेद भी बेरोजगार है भाई, आप कोई कोशिश करके जावेद की किसी भी फैक्ट्री में नौकरी लगवा दें भाई। सना मैं तुम्हारी परेशानी का अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोरोना की वजह से नौकरियों की किल्लत पैदा हो चुकी है। छोटी मोटी नौकरियां तो मिल जाती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जावेद जैसा पढ़ा लिखा और काबिल इंसान कोई छोटी मोटी जॉब करे। मैं ये सब तो बर्दाश्त कर लूंगी भाई, और मैं कर रही हूँ कब से सब कुछ बर्दाश्त, मगर अगर ऐसे ही हालात चलते रहे ना तो मुझे वकास को भी स्कूल से हटाना पड़ेगा और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वकास की फीस के हवाले से तुम बेफिक्र हो जाओ, वो मेरी जिम्मेदारी है। और अगर तुम्हें पैसे वैसे की जरूरत है ना तो मैं हूँ। नहीं नहीं भाई, आपने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया है और आपने तो मुझे बाप बन के पाला, मैं आप पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। बस आप कोशिश करके किसी भी तरह जावेद की नौकरी लगवा दें। अरे वो भी हो जाएगी, मुलाजमत से बेहतर है कि जावेद कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर ले। कारोबार? मगर कारोबार के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? आप लोगों ने जो सेट चढ़ाया था वो तो मैं पहले ही बेच चुकी हूँ। वो जो तुम्हारी सास ने तुम्हें जेवर चढ़ाया था, वो तो कह रही थी कि 35 तोला सोना है, वो कहाँ है? जेवर
वो तो वलीमे के दूसरे दिन ही उन्होंने मुझसे सारा वापस ले लिया था। क्या? और मैं शायद मांगूंगी भी तो कभी भी नहीं देंगी, वो तो वैसे ही इतनी बातें सुनाती हैं मुझे। लेकिन मैं फिर भी जावेद से बात करके देखूंगी कि वो अपनी अम्मी से बात करें। सना वो अम्मी का जेवर है, मैं उनसे कैसे मांग सकता हूँ? अभी बात तानों तक पहुंची, कल को फाके तक भी पहुंचेगी। मैं तो ये दर्द सह लूंगी लेकिन मेरा बेटा नहीं सह पाएगा। और वैसे भी मैं कौन सा जरीना का हिस्सा मांग रही हूँ? उसके जेवर में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जेवर में से हिस्सा चाहिए। खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप अम्मी को मना लें किसी तरह। सना प्लीज शर्मिंदा मत करो मुझे, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम और वकास पहले ही बहुत अजियत बर्दाश्त कर रहे हो। इन सब में आपका कोई कसूर नहीं है। देखें, हम अपने हालात खुद सुधार सकते हैं, और हाँ, नदीम भाई ने भी हमारी मदद का वादा किया है। बस आप अम्मी को मना लेंगे ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं सुबह बात करता हूँ अम्मी से। अरे वजाहत, जरीना। क्या हो गया अम्मी, क्यों बुला रही हूँ? गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, कोई आपको तकलीफ? जी अम्मा। इधर आ। अम्मा क्या हो गया? अरे इतनी जोर जोर से आप चिल्ला रही थी, मुझे लगा कि इस मनहूस ने आपके सर पे कोई डंडा वंडा ही दे मारा है। तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोले ये बीच में? इसका जेवर पे हक नहीं है क्या? हिस्सा नहीं है इसका? अम्मा खैरियत तो है, और कौन से जेवर की बात हो रही है? आए उसी जेवर की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे बाप ने मुझे दिया था, अपने जेवर की। उस वक्त 2,500 तोला था, है? अब 1,10,000 हो गया है। 70 तोले सोना है मेरे पास, अब तू लगा ले 75,00,000 का तो मेरा सोना ही है। और मेरे अल्लाह ने मुझे जिंदगी दे दी ना, अगर 4-5 साल तो करोड़ों में जाएगा वो मेरा सोना। हाँ अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था कि हाँ हाँ तू तो नन्ना काका, तुझे कुछ नहीं बोलना आता। ये इंदिरा गांधी है ना, ये सिखाती है तुझे सब कुछ। हाँ कि कैसे हड़पे माँ का तू जेवर, नजर रखा हुआ है मेरे जेवर पे, इसी ने सिखाया है सब कुछ। ये बंदर की तरह तुझे नचाती रहती है और तू डुग डुगी पे नाचता रहता है बंदरिया कहीं की। अम्मी बस कर दे, अगर मैं कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जबान नहीं है। हाँ हाँ गला दबा दे मेरा, घोट दे। आई तू तो यही चाहती है ना, ये मुट्ठी भर जाए। आए, आए, मैं मर जाऊंगी। आई वजाहत के अब्बा देख रहे हो ना, अकेला छोड़ के गए हो मुझे, सेवन पे नजर है। आई शुक्र करो मैं अपनी भांजी भी आके ले आई, दूसरी आती तो अल्लाह वो क्या जुलम जाती। आपने अपना सारा जेवर तो हड़प कर लिया, अब अम्मा के जेवर पे नजर है। मैं आपको इतना गिरा और घटिया नहीं समझती थी। चुप कर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सना से इस लहजे में बात करने की? अब अगर सना को किसी ने एक लफ्ज भी बोला ना तो अच्छी बात ही होगी, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। चलो सना। हाँ हाँ, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। आई देख रहा है वजाहत के अब्बा तुम भी छोड़ के चले गए और उससे भी हाथ उठा लिए। अल्लाह की कसम सारा यतीम खाने में दे जाऊंगी। आई इसको नहीं देने वाली है कोड़ी, आई भूखी कोड़ी नहीं दूंगी इस अब्बा का कोई। आई मेरे बच्चे को आई खा गई, आई जब आपकी भाजी भी आके नहीं आई थी। अल्लाह, रात को तो ऐसा लग रहा है जैसे नींद की गोली खा ली, ऐसा सर चकरा रहा है, अभी भी आंख बड़ी मुश्किल से खुली, सूरज भी बहुत तेज चमक रहा है आज तो। हाय अल्लाह, मुंह कड़वा हो रहा है। अरे तुम तीनों कहाँ जा रहे हो यूं चोरी छुपे सुबह ही सुबह? अच्छा वो छोटा बता रहा था तेरी लगी है दिहाड़ी, वो ही लुटाने जा रहा होगा तू इन दोनों पे। अब हम क्यों भला चोरी छुपे जाने लगे, हमने कोई चोरी थोड़ी ना की है। ए चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने कब कहा कि तू चोरी करके जा रही है बिना वजह? कहाँ लेके जा रहा है, बोलता क्यों नहीं? अरे नहीं अम्मा,
सखर से जॉब की कॉल आई है मुझे, वहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। और ये वकास अपने मामू से मिलने की जिद कर रहा था, तो इन लोगों को वहाँ छोड़ दूंगा। कल शाम को वापस आऊँगा तो इनको लेता आऊँगा, तब तक वहीं रहेंगे। लो गजब हो गया, ये कल शाम को लौटेंगी, चूल्हा औंधा हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन ये कौन करेगा, तेरी मैया? हाँ तो और कौन करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। वो आपकी चाहिए थी भांजी को, तो आदत नहीं कोई काम करने की। देख जितना बोलती हूँ ना उतना सुना कर, उसे बीच में मत लाया कर। जब वो उठ जाएगी कर लेगी अपना काम, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम चलो, इनको तो जितना बोलते रहोगे ये बोलती रहेंगी, बस मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलो जल्दी। हाँ हाँ ट्रेन पकड़ ले, माँ की जबान नहीं पकड़ा कर, चल निकल। चलो यार। और शाम तक लौट आना, बताए दे रही हूँ, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। आई मैं सुबह क्या उठी, कुल्लियां कर रही थी, आई वो महारानी ऐसे जा रही लाल जोड़ा पहन के चुपके चुपके, बैग इतना बड़ा हाथ में, लौंडा भी साथ में था। अम्मा मैं तो आपको पहले ही कहती हूँ कि वो बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम ऐसी उल्टे उल्टे काम ही करती है, नहीं सुनती मेरी बात तो। आई क्या कर लिया? आई अम्मा। अरे दबा के रख, कैसा लहू लहान कर लिया। अरे अम्मा परेशान नहीं हो ना, मैं बैंडेज लगा लेती हूँ। मेरी अलमारी है ना उसके पास जो सेफ है उसमें वो पट्टी रखी हुई है, मरम पट्टी, जा जल्दी से लेके आ, दौड़ के आ। आई दबा के रख, खून बह रहा है। हाँ हाँ। आई बनता तो है नहीं, निकल कैसे रहा है, लसाया हो रहा है मेरी बच्ची का खून। अच्छा ना परेशान हो, इतना भी नहीं लगा। आई निकला तो है बेटा। आई वो कहाँ रह गया? अम्मी क्या हो गया? आपका सेफ जो। क्या हो गया मेरे सेफ को? खैरियत तो है? अम्मा आपका सेफ खुला पड़ा। अरे वो उसमें से जेवर गायब है। हैं? अरे क्या हो गया आपको, आपने ठीक से देखा तो है ना, अम्मा का सेफ तो क्यों खुला हुआ होगा? अम्मा क्या सारा जेवर ले गई? अम्मा मैंने अपनी आंखों से देखा है, खुला हुआ है, आप चल के देखिए, यकीन नहीं आ रहा था। अरे गई, इतना बड़ा भाई ये क्या चली गई, सब छुपा के आएगी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल कैद या जुर्माने की सजाएं हो सकती हैं। वकील साहिबा मेरी मदद करें, मैं एक घरेलू खातून हूँ, मुझसे ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं काटे जाते, अगर आपने मेरी मदद ना की तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ेगा। देखें बीबी पहले ये बताएं कि हुआ क्या है, आपको किस सिलसिले में मेरी मदद चाहिए? पुलिस ने मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। किस जुर्म में? उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, चोरी तो मेरी नंद सना के घर हुई थी और उसके सास के जेवरात थे, पर पुलिस वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी नंद और मेरे शौहर ने मिलकर ये चोरी की है, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया दोनों को। तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे शौहर के खिलाफ FIR कटवाई है और इसमें तुम्हें भी नामजद किया है। क्या वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतनी घटिया हरकत? जब अपने ही डाका डाले ना तो फिर ससुराल वालों का हक होता है कानूनी कार्रवाई का। इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलत फहमी नहीं हुई है, अगर चोरी हुई भी है तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, हम बड़े शरीफ और ईमानदार लोग हैं। बहुत देखे तुम जैसे ईमानदार। तारिक तलाशी लो घर की। सर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं बगैर किसी वारंट के? मुझे मत कानून पढ़ाएं बीबी, ये बताएं आपका शौहर कहाँ है, बताएं। वो तो किसी काम से सखर गए हुए हैं। नंबर बोले 0321-2717-424। मोबाइल बन जा रहा है, लगता है उसे खबर होगी हमारे आने की। सर पूरा घर चेक कर लिया है, जेवर कहीं भी नहीं मिला, लगता है कहीं और छुपाया हुआ है। ये भी हो सकता है कि जावेद जेवर लेकर सखर मफरूर हो गया हो। सर आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग अपने घर में भला चोरी क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत थी और जेवरात पे तुम्हारी नजर थी। जिस दिन ये डकैती हुई है कोई अजनबी घर में नहीं आया ना बाहर गया, कि तुम ही लोग थे
जो इतने मशकूक तरीके से सुबह सुबह फरार हुए थे, और ये सारे अवामिल तुम लोगों को मुजरिम ठहरा रहे हैं। तारिक लेके चलो। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? नदीम को कहां लेकर जा रहे हैं? इसका नाम भी FIR में है, तफ्तीश तो करनी है ना। अरे मेरे भाई को भी लेकर चलो। चलो अरे आप क्या कर रहे हैं? चलो मेरे भाई बेकसूर है, हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो आज तक ड्यूटी नहीं मारी, और सना भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, फिर एक जानने वाली ने आपका नाम बताया। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए आप। देखिए मोहतरमा, आप सब्र रखें। पुलिस ने आपके अहल खानों को गिरफ्तार ज़रूर किया है, मगर बग़ैर सबूतों की बिना पर वो उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। आप फिक्र मत करें, अदम सबूत की बुनियाद पर वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। मैं ज़मानत के पेपर रेडी कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपना नंबर वगैरह बताएं। देखो जो भी मामलात हैं मुझे सच सच बता दो तुम। क्या हो गया? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गए? कुछ नहीं है, आप चुप होके बैठ जाएं बस। अम्मी आप तभी तो ठीक है। अरे वो जावेद की याद आ गई थी मुझे। नहीं नहीं तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूँ। अरे आए ना अम्मा, आए आप, आए आप, आए बैठे। तभी तो ठीक है ना आपकी? आप यहाँ लेटे, आप मुझे लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है आपकी, आप लेट जाएं। आप थोड़ी देर यहाँ लेटें, आराम करें, मैं आपका सर दबाती हूँ। सीधे हो जाए। मुझे पता है अम्मी कि आप जावेद भाई की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन जावेद भाई ने भी ठीक नहीं किया बिल्कुल भी। अल्लाह मेरे मरने का तो इंतज़ार कर लेता, मेरे मरने के बाद तो सब कुछ तुम्हीं लोगों का है। अपनी कब्र में लेके थोड़ी जाऊंगी मैं ये सब कुछ। अल्लाह मेरी मेहनत सब कुछ खारत कर दिया। अरे माँ नहीं बाप बन के पालो तो मैंने। अरे अपना हिस्सा चुका ले दो, तेरा भी हिस्सा, सब कुछ लेके भाग गया ऐसी औरत की बातों पे आया। अरे अम्मी मैं जावेद भाई से लॉकअप में मिलने गया था, वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, कहीं गलतफहमी हुई है किसी को और यूं। ठीक कह रहे हैं, वो चोरी नहीं की जावेद भाई ने, लेकिन सना भाभी की चोरी की पर्दापोशी जरूर की है। जुर्म का साथ दिया है, गलत किया उन्होंने, अपनी अपनी फरिश्ता सिफत माँ पर उस शातिर औरत को तरजीह दी है। गलत किया जावेद भाई ने बहुत, ऐसी ऐसी औलाद के लिए तो ना दुनिया में सुकून है ना आखिरत में आराम। अरे पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया मुझसे, ऐसा क्या हो गया, कौन सा गुनाह किया है अल्लाह मैंने, तो ये सब कुछ देखने को मिल गया। अरे मरने के बाद क्या मुँह दिखाऊंगी तुम्हारे बाप को। अम्मा आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही? मैं हूं ना आपके पास, हम दोनों आपके पास हैं। आप सो जाए, आराम करें, सो जाए, आंखें बंद करें। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब जमानत के पेपर्स। वकील साहबा, इतनी मुश्किल से हम मुल्जमान को गिरफ्तार करते हैं, रिमांड लेते हैं, और अभी तफ्तीश मुकम्मल भी नहीं होती, आप लोग आ जाते हैं जमानत कराने। इंस्पेक्टर साहब, नदीम, जावेद और सना, इन तीनों की तो जमानत होनी ही थी, क्योंकि इनके खिलाफ आपके पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, और ना ही मसरूका माल बरामद हुआ है, और ना ही आप इनसे एतराफ़े जुर्म करा सके। एतराफ़े जुर्म भी करवा लेते हैं, लेकिन आप जमानत के कागज लेकर आ गए। लेकिन याद रखें, उस सेफ और अलमारी पर सना और जावेद की फिंगरप्रिंट्स मिले। बिल्कुल मिले होंगे, क्योंकि वो भी इसी घर के मकीन हैं। और क्या पुलिस रिपोर्ट में ये बात दर्ज नहीं है कि दीगर अहले खाना के उंगलियों के निशान भी मिले थे वहाँ पर? मिले थे, लेकिन पैसों की जरूरत सना और जावेद को थी, और याद रहे कि उन लोगों ने ही जेवरात का मुतालबा किया था। किसी चीज का मुतालबा उन्हें मुल्जिम नहीं बना देता, और मुझे यकीन है कि वो तीनों बेकसूर हैं। अभी तो उनकी जमानत हुई है, और कोर्ट भी बहुत जल्द उन्हें बाइज्जत बरी कर देगा। आप प्लीज उन्हें जल्दी बुलाइए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। तारिक ले गया उन लोगों को।
जाएं। अंदर नहीं आ सकते आप लोग? क्यों नहीं आ सकता, ये मेरा घर है। अपने ही घर में नकब जनी करके आप यह खो चुके हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि किस मुंह से आ गए आप लोग यहाँ पर। शर्म से डूब मरना चाहिए था। बस करो जरीना, क्या बातें कर रही हो तुम? ये तुमने हमें झूठे चोरी के केस में जेल भिजवा और अब हमें ताने भी दे रहे हो। माफ कीजिएगा, आप अपनी करतूतों की वजह से जेल गई थी और तुम दोनों की वजह से हमने जो बदनामी और जो तकलीफ उठाई है उसका एहसास है? आ गए मुंह उठाकर, अभी बताती हूँ मैं। अम्मा अम्मा, अरे क्या हो गया, क्यों गाली फाड़ रही है? अरे देखो, अगर इन्हें बता दो कि इनका इस घर पे कितना हक बाकी है। अम्मा देख, तू मेरी औलाद है, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। तू चाहे तो इस घर में खुशी खुशी आ सकता है, मैं रख सकती हूँ तुझे, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन एक शर्त है मेरी। तुझे इस सना को 3 बोल बोलने पड़ेंगे, इसलिए कि इसी के वरगलाने पे तूने अपने ही माँ के जेवर चुरा लिए। तूने, तुझे जरा भी हया नहीं आई? माँ मैंने नहीं चोरी की, झूठा इल्जाम है मुझ पर। बस कर दें भाई, बस कर दें, हर बात पर झूठ बोल रहे हैं, चोरी नहीं की इल्जाम लगा रहे। अरे झूठ के पाँव नहीं होते? झूठ के पाँव भी होते और झूठ दौड़ता भी है, जैसे कि तुम। अरे बस बस, जैसे कि तुम अपनी करतूतें देखी नहीं और दूसरों पे इल्जाम लगाने चली। देख एक बार फिर कह दे रही हूँ, तू इसे 3 अल्फाज दे दे और तू अंदर आ जा और तू गरा को अपने भाई के घर जा। नहीं अम्मा, मैं सना को तलाक नहीं दे सकता, मैं अपने मासूम बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। ठीक है अम्मा, मैं जा रहा हूँ, मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी ना, तब आपको यकीन आएगा, बुलवा लीजिएगा मुझे। चलो सना। देख रही है अंधेर नगरी चौपट राज है, अपने इतने से पिल्ले को नहीं छोड़ सकता। मेरा पला पलाया लेके जा रही है। अरे कितना बार पोस के बड़ा करा, कितने दुख उठाए, तू ऐसा कर, जल्दी से जाके मेन गेट बनकर ऐसा ना हो गमले चुरा ले। आए जा, चोटी का क्या भरोसा, चोर आए जी छुपाए, लुतरी आए बात छुपाए, आए वही कहावत हो गई। हाँ लेकिन ये आई कैसे? अरे दीदा तो देखो क्या ना। ताज़ी रातें पाकिस्तान की दफ़ा 333 और 334 के तहत अगर कोई शख्स किसी के जिस्मानी अज़ू को शदीद ज़रर पहुंचाता है या हाथ पांव तोड़ देता है तो उसे 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा होगी। वकील साहिबा, आपका एहसान है मुझ पे कि आपने हमें रास्ता दिखाया, वरना मुझे तो बस आगे तारीख ही नज़र आ रही थी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो फ़कत अपना फ़र्ज़ निभाया है, और वैसे भी पुलिस वालों के पास आप लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए आप लोग जमानत पर रिहा कर दिए गए और इंशाल्लाह ताला अगली पेशी में ये केस ही खारिज हो जाए। लेकिन मैडम, हमारी ज़िंदगियाँ पहले जैसी तो रही नहीं, ये तो पहले ही इतना परेशान थे और अब तो घर से बेघर भी हो गए। देखिए मैं समझ सकती हूँ, ये वक्त मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत और इस्तकामत से काम ले तो हर मुश्किल को शिकस्त दे सकता है। और फलक बता रही थी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप किसी स्कूल में टीचिंग कर सकती हैं और अपने शौहर के चाना बचाना खड़ी हो सकती हैं। नहीं नहीं वकील साहब, इसकी ज़रूरत नहीं, सना के मुझ पर पहले ही बहुत एहसानात है, मैं इस पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहता। अरे भाई एहसान कैसा, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, एक दूसरे का सहारा होते हैं वो, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए भी ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मैडम जब से आप आई हैं हमें तो बहुत उम्मीद जाग गई, जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था। इंशाल्लाह एक अल्लाह से बड़ी उम्मीद। हेलो जी, हम तो बहुत मायूस हो गए थे। जी जी, झूठा इल्जाम। अच्छा, हम तो कुछ किया ही नहीं। अब सैलरी कितनी होगी? ठीक है, मैं पीर से ज्वाइनिंग दे दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। अरे नदीम भाई, अल्लाह ने आपकी सुन ली, सखर की कंपनी से मुझे कॉल है ये जॉब की। यहाँ तेरा शुक्र है। मैं अम्मी को बताता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। कह रही थी दवाई पी के वापस कर दूंगी, पता भी है खांसी का दौरा पड़ता है मुझे, तो मैं नहीं सही होती दवाई के बगैर। कमरे की तो हालत देखो,
अल्लाह, पता नहीं कहीं कहीं दिन झाड़ू नहीं देती। इससे कहीं अच्छी तो सना थी, चोटी ना होती तो सारी आदतें बहुत अच्छी थी उसकी। अरे क्या सजा भुगत रही है अपने किए की। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही, कहीं इसमें तो निगारत कर दी। आई है ये क्या? आई है ये तो मेरी अंगूठी है जो मेरी सास ने बड़े चाव से मुझे दी थी। आई अल्लाह, इसका तो पूरा सेट था। ये देखो कैसी पिटाई है मेरी उंगली में। लेकिन ये इसके दराज में क्या कर रही है? आई अल्लाह, चोर कोई और है, सजा कोई और भुगत रहा है। आई ये क्या जुर्म हो गया? अल्लाह ये क्या गुनाह हो गया, ये क्या खता हो गई? हाँ हाँ अम्मा बात कर रही हूँ, और कौन बात करेगा? तो देख नहीं रहा, अब नंबर आया होगा मेरा। बस जल्दी से आ जा, देख बैठा हुआ है ना तो खड़ा हो जा, खड़ा है तो चल पर, बस जैसी हालत में है निकल जा, आ जा फौरन के फौरन। आई घर में बताऊंगी ना तफसील काय का दिमाग खड़ा। देखना बात नहीं हो रही मुझसे, आ जा बस जल्दी दौड़ के आ। इस मनुष्य को नहीं छोड़ने वाली मैं। अल्लाह, दूसरी दवाई मंगानी पड़ेगी, सफाइयों में फेंक दी। अम्मी आई क्यों नहीं अभी तक? नमाज पढ़नी थी बस, अब आती होंगी। पता है वो जहाज आज तक हमें इतना मजे का। बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तू थोड़े से पैसे क्या हो गए, अपनी औकात भूल गई? दिखा दिया अपना गवारपन। गवार कह रही है तू मुझे? मुझे गवार कह रही है? बताऊं मैं तुझे गवार क्या होता है? चोरनी डकैतल, आ गई तू वापस इस घर में, आई कैसे? हाँ, अम्मी क्यों आई? अम्मी खबरदार, खबरदार नहीं जो हम वापस आने के बारे में सोचा भी। अरे लड़ो तो मत। अरे क्या हो गया, नमाज पढ़ना तो बंद कर दे तू। अरे क्या कहती की तरह बात चला रही है तू? है ये क्या किया आपने? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अरे मैं भांजी समझ के लाई थी, लेकिन नहीं, ये भी मेरी बहन की तरह शातिर चलाक मक्कान निकली, डस लिया इसने मुझे। मैं समझा नहीं अम्मी आप क्या कह रही हैं। तुम तो ऐसे लाइन बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जिस चोरी के इल्जाम में हमने जिल्लत उठाई, वो चोरी हमने नहीं तुम्हारी बीवी ने की थी, सारे जेवर इसने चुराए थे। तू जानता था ये बात? ये कैसे नहीं जानता होगा, ये तो इसका शौहर है ना। क्यों वजह है तुम्हें नहीं पता था? बोल जवाब दे, सांप क्यों सूंघ गया तुझे? सब जानता था फिर भी गुंडा बना रहा। हाँ अम्मी, अम्मी मैं बताता हूँ अम्मी, जब भाभी पर जेवर का इल्ज़ाम लगा तो मुझे शक तो हुआ, मगर तब तक जरीना आपको अपने शीशे में उतार चुकी थी और मैं खामोश रहा। और जब मैंने आपका जेवर इसके पास देखा तो जब तक तो मामला बहुत बिगड़ चुका था अम्मी, और इसने भी ना मुझे रो रो के कश्मे देकर खामोश रहने पे कायल कर दिया था अम्मी। कायल कर लिया था? मैं और मेरी बीवी जेल काट के आ गए, मेरे बच्चे को दरबदर कर दिया तुमने, यही करना चाहते थे तुम? बोलो। हाँ भाई, मुझे बार बार ख्याल आता रहा, कभी भाभी का कभी वकास का, मगर अम्मी मैं अपने अंदर इखलाकी जरूरत पैदा नहीं कर सका। लेकिन मैंने अपने अंदर जुर्रत पैदा कर ली है मुजरिमों को सजा दिलवाने की। पुलिस को कॉल कर दो। पुलिस बस आती ही होगी, तुम लोग अपनी सजाएं भुगतने के लिए तैयार रहो। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सना, नदीम और जावेद का जेवरात की चोरी से कोई ताल्लुक नहीं। इस जुर्म के पीछे जरीना का जहन कार फरमा था, और चूंकि जरीना के शौहर वजाहत को इस चोरी का इल्म था, फिर भी उसने पुलिस की कोई मावनत नहीं की। लिहाजा ये अदालत इन तीनों को बाइज्जत बरी करते हुए पुलिस को हिदायत करती है कि जरीना और उसके शौहर वजाहत के खिलाफ चोरी और पुलिस को गुमराह करने के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके चालान तैयार करे और आइंदा समाअत पे अदालत में पेश करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं
तो हमें ईमेल करें court5@summer.tv।